नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के दो ऐसे जुड़वा भाइयों के बारे में जिन्होंने नेपाल के लिए अपनी इंटेलिजेंस को दिखाकर बहुत कुछ बना के दिया, या फिर ऐसे कहें कि बहुत कुछ इनोवेट करके दिया। दोनों ही भाई इंटेलिजेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आगे हैं और दोनों ही लड़कों ने ना केवल नेपाल के लिए बल्कि और लोगों के लिए यानी कि दुनिया के लिए भी बहुत कुछ बना के दिया है। अब इनकी सोच से प्रेरित होना हमारी एक इच्छा है, या फिर हम कहें कि इसे नेगेटिव विचारों की तरफ लें या फिर पॉजिटिव विचारों की तरफ लें, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। उन्होंने क्या किया है, वो कौन हैं, या फिर उनके भी जो जीवन में ऐसा इन्वेस्टन करने का आइडिया कैसे आया, उन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल के युवा प्रवर्तक कह सकते हैं हम इन्हें। तो राम और लक्ष्मण जो दोनों जुड़वा भाई हैं, इनके नाम हैं, अब तक 5 पेटेंट और लगभग 50 आविष्कार कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं 50 आविष्कार करना कोई छोटी बात नहीं होती। राम रिमल और लक्ष्मण रिमल का मानना है कि जो विनर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो कोई अलग चीजें नहीं करते, वे चीजों को अलग तरह से करते हैं। ये बात उनके लिए एक मोरल कह सकते हैं, या फिर लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं। जुड़वा भाई 2006 में स्थापित लाजिम्स्ट में प्रौद्योगिकी बिक्री के नजदीक में शोधकर्ता हैं, और 5 पेटेंट और उन्होंने लगभग 50 आविष्कार अर्जित किए हैं। वे 36 साल की कम उम्र में भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं, और रिपब्लिका के जो सोनम लामा के साथ बातचीत में उन्होंने बताते हैं, और वो अपने चुनौतियों के बारे में बताते हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हैं। तो उनके लिए हम बताते हैं आपको कि क्या कह रहा उन्होंने। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, जब उन्हें ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोवाकोट के एक ग्रामीण गांव में वो पले बड़े हैं। हम अपने समुदाय से प्रेरित और तत्काल जो ज़रूरतें हैं हमारे समुदाय की, उसको पूरा करने के लिए हमने आगे कदम उठाए। अपने दैनिक कार्यों में सुविधा प्राप्त कराने के लिए हमने विज्ञान के मूल सिद्धांतों को लागू करना सीखा इन्हें, जो कि हमने कक्षाओं में पढ़ा था, और इसी के कारण हमें एक प्लस पॉइंट मिला कि विज्ञान ने हमें ये करने के लिए प्रेरित करा और हम इसमें सक्सेस भी हुए। जब उनसे पूछा गया कि आपके सामने आने वाले कुछ झटके जो कि ज़िंदगी के अंदर सभी के साथ आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, तो उन्होंने बताया कि नए प्रयोगों पर काम करते हुए सैकड़ों असफलताओं के बीच सफलता का एक कठिन जीत होती है, और हमारे सभी प्रयासों ने हमें कड़ी मेहनत करने के कारण दिया है। ऐसे कठिन समय से हम जब किसी उत्पाद को बना रहे होते हैं और जब वो पूर्ण हो जाता है तो एक खुशी भी होती है। ऐसी चीज़ों में हमने यह भी लगाता है कि नेपाल में बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला, अनुसंधान और निवेश में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अब चलिए जान लेते हैं कि अभी तक हमने बताया था कि 50 आविष्कार कर चुके हैं, तो कौन से हैं, इसमें प्रमुख कौन से हैं वो बता देते हैं। उन्होंने 5 पेटेंट और लगभग 50 आविष्कार शामिल हैं। हमने जो नेपाल में पहली बार हार्डवेयर डिज़ाइन किया और जल प्रवाह नियंत्रण मशीन, ऐसा कुछ बताते हैं वो, सामुदायिक सायरन वार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने तैयार करी है, नेपाली वोटिंग मशीन भी उन्होंने तैयार की है, प्राथमिकता आधारित बिजली आपूर्ति जिसे GPS कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी उन्होंने तैयार किया है, नेपाल एप्लीकेशन और कई ऐसे छोटे मोटे आविष्कार और भी उन्होंने किए हैं, जिसमें से प्रमुख ये थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ उन्होंने नेपाल के लिए किया है और दे रहे हैं, और आगे वो क्या काम कर रहे हैं, या फिर आगे का उनका क्या प्लान है, वो भी आप सुन लीजिए। वो नेपाल निर्मित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार केंद्र शुरू करने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा वो यहाँ पे पास अपने व्यवसाय के विस्तार करने और वैश्विक बाजार में लाने के लिए देश के समग्र विकास को आमंत्रित करने के लिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी पहल हो सकती है एक, और प्रशिक्षण और धन उपलब्ध करवाने की भी योजनाएँ बना रहे हैं। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कहेंगे कि आपने इसमें इंफॉर्मेटिव क्या बताया, तो इंफॉर्मेशन
जो बच्चा बंदा निकालना चाहता है वो निकाल सकता है इसके अंदर। आप अगर मोटिवेट होना चाहते हैं इन दोनों भाइयों से तो हो सकते हैं इस वीडियो के जरिए, और इन बंदों के जो भी कार्य किए हैं ऐसे काम आप भी कर सकते हो। और आप कहेंगे कि इसमें वोटिंग मशीन बनाने में कौन सी बड़ी बात है, तो भैया आप बना के दिखा दो, मैं तो सीधा कहने वाला हूँ। अब कुछ कोई भी बंदा अगर अपने देश के प्रति कुछ बढ़िया कार्य करता है तो उसके लिए सल्यूट भी मिलते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो भी लेके आते हैं, ना केवल हम जबकि पूरा मीडिया भी उनके लिए वीडियो लेके आता है। तो आप अगर कुछ करोगे तो आपके लिए भी वीडियो जरूर लेके आएंगे। क्या राय है इन राम और लक्ष्मण के बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।